नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स एज शोन इन फिगर। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो कोई अलग से फ्लिप फ्लॉप नहीं है, सिंपली उसे हम दो जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से बना सकते हैं। और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बेसिकली जो जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन होती है उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें दो जेके फ्लिप फ्लॉप लगाए जाते हैं, एक मास्टर की तरह काम करता है और एक स्लेव की तरह काम करता है। बेसिकली जो स्लेव है वो जो मास्टर का आउटपुट आता है उसी को कॉपी करता है, इस वजह से इसे स्लेव कहते हैं। तो द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड द मास्टर इज ड्रिवन बाय द पॉजिटिव क्लॉक, और जो मास्टर है वो पॉजिटिव क्लॉक से चलेगा। जैसे ये पॉजिटिव पोर्शन है बेसिकली, इससे ये ऑपरेट होगा, और जो स्लेव है वो जो नेगेटिव है पल्स का उस पर एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। तो क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव क्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक बबल लगा देते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव क्लॉक पर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव क्लॉक मास्टर फ्लिप फ्लॉप गिव्स इंटरमीडिएट आउटपुट। तो जब पॉजिटिव क्लॉक होगी, जैसे आपने क्लॉक पल्स यहां पर अप्लाई की, तो जब पॉजिटिव पोर्शन आएगा तो ये एक्टिव होगा, ठीक है ना, उस समय ये एक्टिव नहीं होगा तो ये आउटपुट देगा। इसके जो आउटपुट आएंगे वो फाइनल आउटपुट नहीं होंगे, क्योंकि फाइनल आउटपुट आएगा यहां से, तो इस वजह से हमने इन्हें इंटरमीडिएट आउटपुट कहा है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव क्लॉक मास्टर फ्लिप फ्लॉप गिव्स इंटरमीडिएट आउटपुट बट द स्लेव डज नॉट रेस्पॉन्ड ड्यूरिंग नेगेटिव क्लॉक। अब नेगेटिव क्लॉक क्या होगा, पॉजिटिव आ गई उसके बाद नेगेटिव आएगी, ड्यूरिंग नेगेटिव क्लॉक स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट। अब क्या होगा, जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मास्टर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जो मास्टर का जो आउटपुट आया था बेसिकली वो स्लेव के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है, और उस इनपुट को लेके ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली यहां पर जो इनपुट आया होता है उसी को ये आउटपुट में प्रोड्यूस कर देता है। तो ड्यूरिंग नेगेटिव क्लॉक स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट एंड इट इज कॉपीड द प्रीवियस आउटपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप एंड प्रोड्यूस्ड फाइनल आउटपुट। क्लियर है। तो आपको अब एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। दिस इज लॉजिक डायग्राम ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये जनरली पूछ लिया जाता है कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप बनाइए यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो ये नैंड गेट्स से बनाते हैं, तो हो सकता है आपको लग रहा हो थोड़ा बड़ा, लेकिन बहुत सिंपल है। जैसा कि आपको बताया कि यहां पर दो जेके फ्लिप फ्लॉप होंगे, एक मास्टर के लिए, ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया और एक ये जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। तो मैं अगर इसे छुपा लूं इस तरीके से तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ क्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें तो ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है साफ। इन दोनों को इसमें डायरेक्टली क्लॉक अप्लाई किया है जो पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया, और यहां पर एक इन्वर्टर लगा दिया, ठीक है, नैंड गेट के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, तो ये नॉट गेट की तरह काम करेगा और ये क्लॉक अप्लाई कर दी। और जो फीडबैक है बेसिकली वो फीडबैक जैसे हम प्रोवाइड करते थे वो यहां पर मास्टर पर आ रहा है, ठीक है, बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है। तो इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। तो जैसे क्लॉक पल्स, एक इसका पॉजिटिव पार्ट होगा और एक इसका नेगेटिव पार्ट होगा। तो मान लीजिए पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव पार्ट पर, तो पॉजिटिव जब होगा तो उस समय मास्टर फ्लिप फ्लॉप है वो काम कर रहा होगा। मान लीजिए जे इज इक्वल टू हमने 1 रखा है और के इज इक्वल टू 1 रखा है, ठीक है, और इनिशियली क्यू इज इक्वल टू हमने कहा है 0, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0। तो जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, मास्टर काम करेगा। तो मास्टर का आउटपुट क्या आएगा, देख लीजिए ये 1 है, क्लॉक इस समय ये 1 है, ठीक है, यहां पर भी 1 है। तो अब आपको फीडबैक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फीडबैक आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये 0 है तो डेफिनेटली ये 1 रहा होगा, तो ये 1 इधर जाएगा, ये 1 सारे 1 है तो यहां पर 0 आ गया, और ये 0 इधर से जाएगा, 0 हो गया तो यहां पर 1 आ जाएगा। क्लियर। ये 0 हो गया तो आप डायरेक्टली इसका डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा फीडबैक हो गए तो इधर से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहां से ऑफ है, यहां से 1 आ रहा है, ये 0 कर देगा, ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब जब क्लॉक पल्स का नेगेटिव पोर्शन आएगा तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, तो यहां से जो इनपुट ये रिसीव करना बंद कर देगा एक तरीके से, ठीक है। ये वाला पोर्शन है जो स्लेव है वो एक्टिवेट हो जाएगा,
तो इसका जो पहले आउटपुट आ रहा था यहां पर जो वन था और जीरो था, इसे लेके ये आगे काम करेगा। ठीक है, तो वन था तो वन की वजह से यहां पर, और ये क्लॉक के समय वन हो गया, यहां पर जीरो जरूर है, इस जगह जीरो है, लेकिन जब इधर जीरो है तो इससे ये क्या हो गया, वन हो गया, तो यहां पर तो वन ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टर है। तो जब दोनों वन होंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, और ये जीरो है यहां पे तो ये वन। जीरो का आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, और वन ये फीडबैक होकर जाएगा, वन वन जीरो। तो देखिए क्यू हमने क्या माना था, जीरो, अब क्या आ गया, वन। तो यही तो होता है, जब दोनों इनपुट वन हो तो क्यू बार हो जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, पहले कैस्टेड थी, काम वही हुआ। ठीक है, और क्लॉक पल्स, ये क्लॉक खत्म हो गई, अब जो नेक्स्ट साइकिल आएगा उसमें होगा। तो यहां एक क्लॉक पल्स में बार बार आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि रुक रहा है यहां पर, पॉजिटिव में सिर्फ यहीं तक आ रहा है, फिर नेक्स्ट में यहाँ आपका इधर आएगा, फिर अगली आई तो उसमें दोबारा ये काम करेगा। ठीक है, तो जो जेके में प्रॉब्लम आ रही थी सिंगल में, वो प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, क्योंकि इस जगह पे बेसिकली फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं है, फीडबैक है वही कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, तो यहां से पहले कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, अब बार बार वो काम नहीं होगा। क्लियर है? तो आई थिंक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपको क्लियर होगा, समझा सकते हैं आसानी से। थैंक यू।